बार झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और इस बार हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय आपको देने जा रहे हैं। इसके पहले हम उनकी कहानी नेता जी का चश्मा के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है। उनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा नौकरी के कारण राजस्थान में बीता। उन्होंने प्रमुख रूप से कहानियां और उपन्यास लिखे हैं और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहले कहानी संग्रह देखते हैं, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि। उन्होंने उपन्यासों की रचना भी की है। उनके उपन्यासों के शीर्षक हैं बीच में विनय और दूसरा उपन्यास शीर्षक है उसका ईंधन। उन्हें बहुत से सम्मान भी मिले हैं। एक कहानीकार के तौर पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान दिया है। उन्हें पहल सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। उनकी लेखन की कुछ खास विशेषताएं हैं, उन्होंने ज्यादातर मध्यवर्गीय जो जीवन है उसी के विभिन्न पक्षों को अपनी कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। शोषण के विरुद्ध सचेत जागरूकता उनकी रचनाओं में मिलती है। भेदभावों के विरुद्ध भी वे एक समर्थ रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यह था कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। आपसे हमारा अनुरोध है, कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो इस विषय से संबंधित, तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। हमें उसका उत्तर देते हुए खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।